ओम शांति। 18 अप्रैल 2024 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। प्रश्न, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। उत्तर, जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था। सारा चक्कर पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। यह बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है बच्चे, बीती को चितवो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बात ना सुनो न सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना रिपीट करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वह आपे ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। आते ही हैं विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना, तो सब आपे ही देते रहते हैं। मांगने से मरना भला। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अभी मांगने की कोई दरकार नहीं। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते हैं बीती को कभी चितवो नहीं। ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया उनका विचार नहीं करो, रिपीट ना करो। बाप तो सिर्फ दो अक्षर ही कहते हैं, माँ में कम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो दो अक्षर ही समझाएंगे। मैं हूँ पतित पावन, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाप को याद करना है, कोई रड़ी मारना व चिल्लाना नहीं है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 के चक्कर को याद करो क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। बच्चे के रोने का आवाज हुआ। अभी यह डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए। उन्हों का कोई प्रबंध करना है। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वह आपे ही प्रबंध करेंगे। यह रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं। ब्राह्मणी माना टीचर का काम है सर्विसेबल लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। कोई भी बड़े आदमी हो व छोटा हो,
यह यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं वह यह नहीं समझते कि यह यूनिवर्सिटी है। मुख्य बात है यह यूनिवर्सिटी है। इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे भी डिस्टरबेंस करेंगे, क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते हैं, भल गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो। यहाँ सिर्फ एक सप्ताह तो क्या, 3-4 दिन भी काफी है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को पहचानना है। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है, ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, एकदम दिमाग ही पुर, माना भरपूर हो जाना चाहिए। परंतु बाप है साधारण तन में, पढ़ाते भी साधारण रीति हैं, इसलिए मनुष्यों को जचता नहीं है। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी? बाप कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवास, गरीबों को ही पढ़ाता हूँ। साहूकारों को ताकत नहीं पढ़ने की, उन्हों की बुद्धि में तो महल माणी ही होती हैं। गरीब ही साहूकार बनते हैं, साहूकार गरीब बनेंगे, यह कायदा है। दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। साहूकार दान ले नहीं सकेंगे, बुद्धि में बैठेगा नहीं। वह अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग है। कहते हैं, हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं। कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा। आप ही कह देते हैं कि यह स्वर्ग गया, तो जरूर अभी नर्क ठहराना। परंतु इतने पत्थर बुद्धि हैं जो समझते नहीं हैं नर्क क्या है। यह तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूँ। बाप जब आए तब आकर ताला खोले। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलवेड बाबा है जिसको भक्ति में याद करते थे। जिसे याद किया जाता है वह जरूर कभी आएगा भी ना। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए। बाप आकर बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है। क्या कहते हैं? बच्चे, तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है।
तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो। हम आपे ही तुमको देता रहता हूँ, बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है। जो बालिग बड़े बच्चे होते हैं वह झट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही 21 पीढ़ी, यह तो तुम जानते हो। जब नरकवासी हैं तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माओं भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वह कहेंगे, हम बाप से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उनके लिए तो जरूर करना चाहिए। वह भी सौदा हो गया। वह सब हैं जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई बात सुनो नहीं। उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। तुम पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है। जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। किसको दुख नहीं देना है कोई भी प्रकार का। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे होना। सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा, बहुत नए नए भी आते हैं। 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं। तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता कैसे बनेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना। जो होकर जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं। फिर जरूर वह आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सब होकर गए हैं, फिर होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, रक्षा बंधन आदि। सबका राज बाप समझाते रहते हैं। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी हो देखते हो, बाप दादा भी साक्षी हो देखते हैं। यह कहां तक ऊंच पद पा सकते हैं। इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं। टीचर को तो सब मालूम रहता है ना, कितने को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में यह याद रखना चाहिए कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए। वह है हद की यूनिवर्सिटी, यह है बेहद की। दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं के तरफ जाती है। सबका कल्याण करना है, वापस ले जाना है। न सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों को हैं, यह भी समझते हो। जैसे नंबरवार जो आए हैं वह फिर जाएंगे भी ऐसे। सब आत्माएं नंबरवार आती हैं, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे वह सब समझाया जाता है। कल्प पहले जो हुआ है वही होगा।
यह भी तुमको समझाया जाता है, तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे। नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्म के सारे झाड़ को जान जाते हो, इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद भी नहीं। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, बाप तो आए ही हैं रास्ता बताने। ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का। ऐसे ही पार्ट बजाता हूँ जैसे कल्प कल्प बजाया है। जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था। चिंतन कोई बात का नहीं करना है, हम आगे बढ़ते रहते हैं, यह बेहद का ड्रामा है ना। सारा चक्कर पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं, मांगने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने अथा मांगा है, सभी पैसे खलास कर दिए हैं, ये सब ड्रामा में बना हुआ है। वह सिर्फ समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति करते शास्त्र पढ़ते कितना खर्चा होता है। अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं है, बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं है, वह तो आए ही हैं देने के लिए। ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया। अरे शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है। तुम यहाँ लेने आए हो ना, टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा है डबल श्री श्री, तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए। विष्णु को ही श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो जॉइंट हैं। फिर भी दोनों को बनाते कौन है, जो एक ही श्री श्री है। बाकी श्री श्री तो कोई होते नहीं। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीता राम भी नाम रखाते हैं। तो बच्चों को यह सब धारण करके खुशी में रहना है। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती हैं, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक के कोई दे ना सके। बाप सभी रूहों का बाप है, उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। यह तो समझते हो, यह जंगल है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है, वहाँ कोई मारपीट होती नहीं। गुस्सा करना भी हिंसा है, फिर सेमी हिंसा कहो कुछ भी कहो। यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। जहाँ तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा प्यार से किसको समझाना है, कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं।
इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई खराब कर्म ना हो, यह ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। वरदान, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता। बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना। स्लोगन, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। ओम शांति।